2015 में एक के बाद एक सूखे ने इस डैम की हालत बदल दी। यहाँ से कभी दक्षिण अफ्रीकी शहर केप टाउन का आधा पानी मिलता था। इस सैटेलाइट टाइम लैप्स में महीना दर महीना जमा किया पानी घटता हुआ देखा जा सकता है। 2018 में ये शहर डे जीरो के करीब था। डे जीरो मतलब वो दिन जब नल सूख जाएंगे और लोग लाइन में लगकर राशन का पानी लेंगे। पानी खत्म हो जाने के खतरे से घिरा पहला प्रमुख शहर था केप टाउन, लेकिन वो आखिरी भी नहीं होगा। जकार्ता, लंदन, बीजिंग, टोक्यो जैसे शहरों को भी आने वाले दशकों में अपने डे जीरो देखने पड़ेंगे। दुनिया के बहुत से हिस्से साल में कम से कम एक महीना पानी की दिक्कत या कमी महसूस करने लगे हैं। The gap between demand and supply of water is narrowing down. लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हमारी धरती तो पानी से मालामाल है। 1 अरब ट्रिलियन लीटर से ज्यादा पानी है यहाँ। समस्या ये है कि धरती का 97% पानी खारा है और ज्यादातर ताजा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। धरती पर 1% से भी कम पानी पीने लायक है। इसका एक समाधान कामयाब होने लायक है। डीसैलिनेशन पानी से नमक को हटाना एक सीधा साधा समाधान दिखता है। खारा पानी लो, उसमें से नमक निकाल लो और मिल गया बहुत सारा साफ ताजा पानी। तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा डीसैलिनेशन प्लांट क्यों नहीं लगा रहे हैं? डीसैलिनेशन एक कुदरती प्रोसेस है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अरस्तु ने बता दिया था, सूरज महासागर के पानी को भाप बना देता है जो फिर से जमा होकर बारिश के रूप में वापस गिर जाता है। उनके हमवतनों ने इसे नोट किया। ग्रीक नाविक लंबी यात्राओं के लिए समुद्री पानी को उबालते थे। नमक छानने के लिए रोमन लोग मिट्टी के फिल्टर लगाते थे। आज भी ये दो बेसिक प्रिंसिपल काम आते हैं। थर्मल डिसैलिनेशन में ताप का इस्तेमाल होता है। नमक का बॉइलिंग पॉइंट पानी से काफी ऊंचा है। अगर आप नमकीन पानी उबालते हैं तो सिर्फ फ्रेश वाटर ही भाप बनेगा, नमक नीचे रह जाएगा। मेम्ब्रेन डिसैलिनेशन प्रेशर का इस्तेमाल करता है। खारा पानी जो यहाँ लाल रंग में दिख रहा है उसे आंशिक रिसाव वाली मेम्ब्रेन से दबाया जाता है। फ्रेश वाटर निकल जाता है, यहाँ वो नीले रंग में दिख रहा है, लेकिन नमक दूसरी तरफ जमा रह जाता है। इस टेक्नोलॉजी में 19वीं सदी तक ज्यादा सुधार नहीं हुआ। जब बड़े पैमाने पर उद्योग आए, आबादी बढ़ी, तो रिसर्च कार्यों को भी बढ़ावा मिला। जनसंख्या में बढ़ोतरी से ही पानी की किल्लत बढ़ी है। मंजूर कादर के पास जल प्रबंधन पर 30 साल से ज्यादा का अनुभव है और जल्द ही एक दूसरा फैक्टर डीसैलिनेशन को और ज्यादा अहम बना देगा, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु गर्म होगी तो ज्यादा पानी भाप बनेगा और जैसा कि अरस्तु ने कहा था, ज्यादा भाप का मतलब ज्यादा बादल, मतलब ज्यादा बारिश। लेकिन पानी एक समान नहीं बरसेगा। ये नक्शा दिखाता है कि क्लाइमेट गर्म होने से बारिश का मिजाज भी बदलेगा। बैंगनी रंग वाले इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, नारंगी वालों में कम। पश्चिम एशिया और कैलिफोर्निया जैसे सूखे इलाकों में और कम बारिश होगी। भारत जैसे दूसरे देशों में मानसूनी बारिश और ज्यादा होगी। ड्राई सीजन में कम होगी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके चलते डीसैलिनेशन प्लांट और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। ये विस्फोट तो होकर रहेगा, हो रहा था 80 और 90 के दशक से, लेकिन खासकर पिछले 20 साल में इसमें बहुत तेजी दिखती है। एडवर्ड जोन्स पीएचडी रिसर्चर हैं, इन्होंने डीसैलिनेशन के स्टेटस पर एक आला दर्जे का नजरिया तैयार किया है। आजकल हमारे पास करीब 16,000 डीसैलिनेशन प्लांट हैं जिनमें हर रोज कम से कम 1,000 घन मीटर पानी निकाल रहे हैं। आप अगर देखें कि दुनिया में नमक निकाला हुआ कितना पानी हम बना रहे हैं तो ये देखिए कि 71% पानी अमीर देशों में बन रहा है। क्योंकि डीसैलिनेशन बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए अरबों लीटर पानी उबालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। In the Middle East,
मध्य पूर्व में फॉसिल ईंधन मिल जाता है तो उससे थर्मल प्रोसेसर सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन दूसरी किस्मों के लिए 25 से 30 गुना महंगा हो सकता है। लेकिन वो ऊर्जा फॉसिल ईंधन से ही मिले ये जरूरी नहीं। बर्लिन के एक स्टार्टअप के पास एक टिकाऊ विकल्प है। ये साफ और नमक निकाला हुआ पानी है, क्लीन एनर्जी से तैयार। हरित ऊर्जा उनकी कंपनी की कामयाबी की कुंजी है। यहाँ आप केन्या में उनका एक प्लांट देख रहे हैं। ये सौर पैनल पानी की कीमत को कम रखते हैं, खासकर ऐसे गांवों में जहाँ बिजली अब तक नहीं है। हमें पानी मुफ्त में मिलता है, बिजली हमें सोलर और विंड से फ्री मिल जाती है, तो अब हम 50 सेंट में 1000 लीटर पानी बना सकते हैं। कीमतों में ये पानी नदियों या बोरिंग के साफ पानी की टक्कर का है। लेकिन एक और समस्या है, और वो ये कि इस पानी का आप करेंगे क्या? अपना साफ पानी बनाने के लिए हमने पानी से सारा नमक निकाल लिया है, लेकिन ये फिर पानी में आ गया है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा है, इसीलिए ज्यादा खारा है। ये पानी कहलाता है ब्राइन, यानी खारा पानी। दुनिया भर में हम नमक हटाया हुआ पानी उतना नहीं बनाते हैं जितना कि ये ब्राइन। डिसेलिनेशन प्लांट में एक छोर से आपका पाइप निकलता है, यहाँ पर हाइपरसेलाइन पानी मिल जाता है, बाहर की ओर बहते हुए धंसेगा क्योंकि ये ज्यादा डेंस है। सेलिनिटी और टेम्परेचर ऑक्सीजन को भी कम कर सकते हैं, और दरअसल इसी वजह से जीवों को ज्यादा नुकसान होता है, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। ब्राइन में समुद्री जीवन के लिए नुकसानदेह रसायन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये वेस्ट संसाधन बन जाए तो कैसा रहे? टमाटर, सीवीड और मछलियां काफी खारापन बर्दाश्त कर लेते हैं। बोरिया लाइट्स यहाँ ब्राइन में इन्हें उगा रही है। फिलहाल ब्राइन मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन काफी छोटे स्तर पर है। चुनौती यही है कि इन छोटे स्तर वाली टेक्नोलॉजी को एक बड़े लेवल के ऑपरेशन में हम कैसे बदल पाते हैं। डीसैलिनेशन जादुई फॉर्मूला नहीं है, इस प्रोसेस को और ज्यादा कारगर बनाना होगा ताकि गरीब देश भी इसे अफोर्ड कर सके। उत्सर्जन रोकने के लिए फैक्ट्रियों को फॉसिल ईंधन छोड़ना होगा और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, और इस ब्राइन से निपटने के लिए समूची इंडस्ट्री को मिलकर एक योजना बनानी होगी। ऐसी फैक्ट्रियां कई समुदायों के लिए पहले ही एक जीवन रेखा जैसी हैं। आज केप टाउन की हालत काफी बेहतर है और डैम भी करीब करीब भरा है। शहर ने फॉरन डिसैलिनेशन प्लांट बनाने की ओर ध्यान दिया तो डे जीरो से बच गया। लेकिन समाधान सिर्फ डिसैलिनेशन या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं था। No one should be showering more than twice a week. Turn the tap off. Flush with only when you really need to flush. You have to save water as if your life depends on it. नागरिकों ने पानी की कीमत समझी और उसका इस्तेमाल पूरी तरह बदल डाला। We use it consciously and mindfully. We are trying our best to save water. यानी उन्हें समझ आ गया कि जल है तो ही जीवन है।